नमस्कार दोस्तों मैं पूजा मगर आपका फिर से स्वागत करती हूँ स्वागत करते हैं जैसे कि मैं हमने अभी पिछली वीडियो में हमने और अजवाइन के बारे में बात की थी तो ये बहुत सारी में भी को ये सॉल्व करता है या फिर ये कम करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है मैम इसे कैसे कम्बाइन करते हैं वो हम जानना चाहते हैं ये पे ना ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेद में कोई भी चीज ना बिना रीजन या बिना उसके नहीं ली गई हुई है और हर एक छोटा सा प्रोडक्ट भी हम लोग उठा के देख लें तो उसके पीछे पूरी एक साइंस हो जाती है वो अलग बातें हम लोगों को समझ कितनी आती है और कितनी नहीं है ना तो मोस्ट ऑफ द जैसे आयुर्वेद में मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया होगा कि अकेले वात के कारण हवा जिसको हम लोग बोलते हैं एयर एलिमेंट है ना ले लेते हैं उसके कारण अस्सी डिजीजेज होती हैं एट्टी डिजीजेज हमारे उसमें ली हुई हैं आगे उनके सब डिवीजंस होते रहते हैं मतलब मेन एक चीज ले ली है ना और पित्त के कारण जो गर्मी होती है पित्त के कारण चाली डिजीजेस 40 डिजीज ली हुई हैं और कफ के कारण बीस है तो कफ सबसे सौम्य बताया गया है उसमें पित्त का इनकॉर्पोरेशन uh, uh, होती है तो और डिजीज होती है वात की होती वाद है, है तो और है। अलग कॉम्बिनेशन बनने शुरू हो जाते हैं तो क्योंकि पित्त और कफ से ज्यादा पित्त और वात से ज्यादा डिजीज हैं तो ये एक जो कॉम्बिनेशन हम ये बात करने जा रहे हैं इतना फायदेमंद रहता है हमेशा क्योंकि मेनली ज्यादा डिजीज हमने बताया चालीस और अस्सी की रेशो जो है वात और आ, इसकी है पित्त की तो वात कहाँ से मेनली आती है मेरी बॉडी में आ, इसमें पहले भी हमने चर्चा करी है तो मेरा जो एयर एलिमेंट वाट इज एयर एलिमेंट और एयर एलिमेंट को हम लोग अगर यूनिवर्स से रिलेट रे, करें तो यूनिवर्स से ये रिलेट होता है हमारा यूपिटर और सैटर्न से क्योंकि वो एयर एलिमेंट के स्रोत हैं और मेरी बॉडी में भी कहीं से आती है तो वो इन दोनों के कारण आती है ठीक है तो ज्यादा जो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम uh, होती है वो सैटर्न के कारण होती है तो सैटर्न को जो सब सबसाइड करता है उसका जो मतलब जो एक मेन अजवाइन है, वो है। तो आप देखोगे कि जब हम छोटे होते हैं तब से हमारी बॉडी में अजवाइन डालनी शुरू कर दी जाती है और दूसरा आ जाता है अजवाइन हम अजवाइन के परांठे अजवाइन हर चीज में सब्जी में भी किसी भी चीज में अगर बच्चे का पेट दर्द हो गया तो अजवाइन दे दो अगर अजवाइन नहीं बच्चा खा सकता है तो अजवाइन का पानी देते हैं हम लोग अर्क बना के देते हैं पुदीने का अजवाइन का ये अर्क बना के देते हैं क्योंकि अजवाइन सबसे बढ़िया वात शामक द्रव्य है आयुर्वेद में बाकी सारी चीजें होती हैं बट ये इसलिए इतनी कॉमन हो जाती है क्योंकि ये घर में आराम से मिलती है हमारे किसी के भी घर में अजवाइन जरूर होगी है ना एटलीस्ट uh, इंडिया में इंडिया में क्या मैंने बाकी भी बाकी उनमें भी देखा है तो अजवाइन एक मेन कंपोनेंट रहता है वो चाहे आप कहीं पे भी खाना खा रहे हो तो अजवाइन एक कंपोनेंट मेजरली रहता है और दूसरा आ, अब हालांकि मैं अजवाइन पे ही और बहुत सारी लंबी चर्चा कर सकती हूँ बट वो मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना बट अजवाइन और सबसे ज्यादा एक कॉस्ट इफेक्टिव है इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज करने के लिए कहते हैं तो क्योंकि मेरी बॉडी में कहीं पे भी दोष आएगा वो ट्रेवल करता है वात एलिमेंट एलिमेंट के साथ रिलेट होके वो ट्रेवल करता है तो इसलिए हमारा यह होता है कि पूरी बॉडी में जो कुछ भी घूमे वो ऐसा घूमना चाहिए कि कहीं पे भी एयर एलिमेंट है तो उसको वो पेसीफाई करता रहे ठीक है, है तो अजवाइन का ये रूप आ जाता है चाहे वो कोई डायबिटिक है चाहे हाइपरटेंसिव है चाहे कोई भी प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में तो वो मेरी पूरी बॉडी में जो प्राण वायु मेरी बॉडी में दौड़ती है ऑक्सीजन या प्राण जिसको हम बोलते हैं कि मेरी बॉडी में जो आ, सोर्स है रिवाइविंग का है ना मैं जिससे सांस ले रही हूँ तो वो उसको पेसीफाई करती रहे उसको क्लीन रखने का काम होता है हमारी बॉडी में और दूसरा है है ना तो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी बॉडी में कहीं पे भी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन इज आप देखोगे बहुत लोगों की बॉडी में स्किन पे भी बहुत सारे आ, फैट एक्यूमुलेट हो जाती है फोफोले से बनते रहते हैं उसको वो सिस्ट बोलते रहते हैं कि, 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 किसी के यहाँ यहाँ मतलब कई लोगों का तो देखा मैंने पूरा बॉडी ही भरी होती है अदरवाइज क्या होता है किसी के लिवर में सिस्ट बन जाती है किसी के किडनी uh, uh, में है बॉयज के इवन uh, टेस्टिस में भी उनके सिस्ट वगैरह बन जाती है तो ये कहीं पे भी बन जाती है ना सिस्ट जहां पे भी दोष एक्यूमिलेट होगा वहां पे सिस्ट बन जाती है तो ये दो मेनली वो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ये मेनली दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है एक तो एयर एलिमेंट आ गया जो इसको कहीं भी दोष को उड़ा के ले जाएगा आपकी बॉडी में जो आपका वी, वीक जगह होगी जो पिछली बार हमने एक टर्म यूज करी थी ख ख इज खालिस्तान है ना खालिस्तान जहां पे भी होगा वहां पे ये गुण दोष जाके एकट हो जाते हैं तो दूसरा आ जाता है मार्स मार्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज सौफ सौफ जो है सौफ कहीं पे भी आप देखोगे जहां पे भी मार्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे हम लोग सौंफ को यूज करते हैं सौंफ मीठी भी होती है और इसकी प्योरिटी इसकी जो डाइजेस्टिव पावर होती है ये मेरी बॉडी में हर चीज को साफ सुथरा करने का काम करती है सौ तो जहाँ जा, पे भी मंगल मंगल एक अर्थ एलिमेंट है और सैटर्न की जो मैंने बात करी थी वो एयर एलिमेंट है ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं मेरी बॉडी में तो ये कहीं पे भी मेरी बॉडी में सिस्ट या लाइपोमा जो कहीं पे फैट इक्यूमुलेशन इन सब चीजों को फॉर्मेशन करते हैं तो अगर हम लोग डेली बेसिस पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते रहते हैं और लेते रहते हैं एज इट इज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि गर्म कर देते हैं उससे भी उसके थोड़े गुण दोष खत्म हो जाते हैं सौंफ को गर्म करेंगे उससे भी हो जाएंगे तो अगर एज इट इज हम लोग इनको लेते हैं और चबा चबा के खाते हैं तो मेरी बॉडी में इसका जो सलाइवा के साथ मिक्सिंग होती है वो एक औषधि के रूप में काम करती है तो आप डेली बेसिस पे जब इसको लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में हर चीज को क्लीन करने का काम करती है अब इसको हमने इसमें लिया था कोविड कोविशील्ड या उसके इंजेक्शन के कहीं पे भी किसी को भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रह गए हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपका ब्लड बिगाड़ा कर सकता है जो आपकी बॉडी में में कहीं कहीं ना पेन दे सकता है कोई भी वो कॉम्बिनेशन काम करता है अर्थ और एयर एलिमेंट जब इकट्ठे होते हैं तो मेरी बॉडी में हार्डनेस कहीं पे भी होती है तो अगर हम दोनों को ठीक ठाक रख रख के चलते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तो मतलब आयुर्वेद एक तरीके से ना इतनी पायस है ना कि छोटी सी छोटी चीज को अगर हम लोग समझ लेते हैं और उसको पूरे विश्वास के साथ मतलब हम कहीं पे भी ये इफेक्ट तब नहीं करती जब आप डाउट रखते हैं है। जब आप डाउट नहीं रखते तो आपकी हर प्रॉब्लम क्योंकि यही मेरा शरीर है यहाँ पे नेक्स्ट में ले लेती हूँ फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है और ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं ना तो हम लोग सिस्ट फॉर्मेशन भी ले लेते ले हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में वो कर लेते हैं ना। जी थैंक यू सो मच मैम साथ ही और सारी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे पाया से को फॉलो कीजिए साथ ही मैम का नंबर मेंशन है आप मैम को कॉल कर सकते हैं और उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने आंसर को पा सकते हैं थैंक यू सो मच